आज केले का फूल की सब्जी बनाएंगे, तो उसको ऐसा क्लीन करके लिया है। उसमें देखिए, उसके अंदर भी एक प्लास्टिक जैसा होता है और उसमें एक लकड़ी जैसा होता है, वो दोनों निकाल देते हैं। देखिए ऐसा ऐसा खोलने से देखिए एक फूल जैसा, वो बॉयल नहीं होता है इसलिए उसको निकालना पड़ता है। तो हर एक इसमें देखिए ऐसा लेके, फिर इसमें वो देखिए ऐसा, और ये प्लास्टिक जैसा, ये दोनों चीज़ निकाल देते हैं। तो ऐसा सारा साफ करके ले लेंगे, वो बॉयल नहीं होता है इसलिए निकालना पड़ता है उसको। ऐसा सब निकाल लेंगे, साफ कर लेंगे। उसके लिए जो सामग्री चाहिए, तो नारियल, ग्रीन मिर्ची, अदरक, करी पत्ता, एक टमाटर लिया है, और जो साफ करके फूल रखा है ना, तो उसको धो के कुकर में बॉयल कर लिया है। एक दो विशल बॉयल करके फिर उसके साथ मूंग की दाल, एक 50 ग्राम मूंग की दाल को भी धो के लिया है। अभी इसको चोंक लगाएंगे। ऑयल डाल रही हूँ, ऑयल गरम हो गए। राई, जीरा, हिंग, अदरक, मिर्ची, कड़ी पत्ता, इसको अच्छा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें टमाटर डाल रही हूँ, टमाटर भी इसमें अच्छी तरह से पक जावे। हल्दी, अच्छा मिक्स करेंगे कि थोड़ा हाफ बॉयल जैसा हो जावे, आधा पक जावे। अभी इसमें दाल और ये बॉयल करके रखा हुआ फूल, इसको भी इसमें डाल रही हूँ। नारियल, स्वाद अनुसार नमक, अच्छा मिक्स कर लेंगे ये पकने के लिए। ये पकने के लिए पानी डाल रही हूँ, एक 1.5 ग्लास जितना पानी, क्योंकि दाल पकेगा तो पानी खाएगा। कुकर बंद करके 3 विशल लेने से फूल केले के फूल की सब्जी रेडी, केले का फूल की सब्जी रेडी।